अपा पटेंट करने वाले हो अकाउंट्स का पेपर। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा नंबर, कुछ लोग कहते हैं कम नंबर। अच्छा, पेपर पूरा कर दिया मैंने, नंबर कट गए। क्यों कट गए बता दीजिए, क्यों कट गए? मैं तो बढ़िया करके आया था भाई साहब। आप तो बढ़िया करके आए थे, मगर आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी, घटिया वाली मतलब, जिनको आप अवॉइड कर सकते थे। आज की वीडियो में वही बताने वाला हूं कि यार क्या करना है और क्या नहीं करना है अकाउंट्स भैया। पेपर करते हुए छोटी 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 बातें ध्यान रख लो बस, और फिर देखो आपके नंबर में डेफिनेटली बदलाव आएगा, चेंज आएगा और आप नंबर इंप्रूव कर लोगे। चलो फटाफट से बताना शुरू कर देता हूं क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, हर एक बात बड़ा ध्यान से सुनना, और हो सके अगर तुम्हारे पास वक्त हो पेपर में तो फॉलो कर लेना, शायद भगवान सुन ले और तुम्हारा कुछ भला हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम, रीड क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन नहीं करना सिर्फ, रीड केयरफुली क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो। पूछा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हम पता क्या कर रहे हैं, हम अकाउंट बना रहे हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बना दिया एंड में, अरे यार जर्नल पूछा था, बच गया बैंक। तो भाई साहब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो पहले, पूछा क्या है, लेजर अकाउंट मांगे भी है कि नहीं मांगे, सिर्फ जर्नल ही मांगी हो उसने, या सिर्फ लेजर अकाउंट मांगे हो तुम जर्नल एंट्री की फेल कह रहे हो साथ में। कृपया करके अपना ज्ञान इतना मत लगाना वहां पर, अपना ध्यान पूरा रखना क्वेश्चन के ऊपर कि पूछा क्या उस बंदे ने आपसे। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाते हुए कॉमन गलती, कभी डेबिट नहीं लिखा, कभी क्रेडिट नहीं लिखा। जनरल में अक्सर हमने नोटिस किया है जब आंसर शीट चेक करते हैं कि यार लेजर फोलियो वाला कॉलम है ना भैया, पता है लिखना कुछ नहीं होता, उस कॉलम के अंदर कुछ नहीं लिखते हो, मगर कॉलम बनाना जरूरी है। डेट का कॉलम खा जाओ कभी कभी, यार अगर क्वेश्चन में डेट नहीं है ना, मेक द कॉलम। फॉर्मेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। अब आप बना रहे हो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तुम्हें याद है लिखना होता है एज एट, जो भी आपकी डेट है 31 मार्च 1917 बढ़े, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। कृपया करके ये फॉर्मेट का पार्ट है, बैलेंस शीट लिखा, फिर एसेट लिखा, फिर लायबिलिटीज लिखा, अमाउंट लिखा, रुपी का सिंबल बनाया, वो सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ पेपर में भी, और रफ काम कर लो तब भी, मतलब भी प्रैक्टिस करते हो, कोशिश करो फॉर्मेट बनाओ ताकि तुम्हारे हाथों को आदत पड़ जाए फॉर्मेट को फॉलो करने की, फॉर्मेट को बनाने की। तो हर क्वेश्चन में अकाउंट्स के फॉर्मेट पे ध्यान दो, फॉर द ईयर लिखना है, एज ऑन लिखना है, डेबिट क्रेडिट लेजर फोलियो डेट, सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपके आंसर के अंदर। जब जर्नल एंट्री करते हो तो कोशिश करो यार कि गैप क्रिएट करो जर्नल एंट्री के बीच में, एक एंट्री लिखी फिर एक लाइन मार सको, अगर इतना टाइम हो तो लाइन मार दो, उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री करो। अगर लाइन मारने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास तो गैप तो छोड़ सकते हो ना, एक लाइन का उसमें तो कोई इशू नहीं है ना, गैप छोड़ोगे तो जर्नल एंट्री क्लियरली दिखाई देती है। बच्चे करते हैं एक के बाद एक धड़ाधड़ जर्नल एंट्री, पता ही नहीं लगता किसका डेबिट है किसका क्रेडिट है, तो इतना हौच-पौच मत करके आना, बहुत ही सिंपल रखना और गैप देना जर्नल एंट्रीज के बीच में। उसके बाद क्या करना तुमने, मेन काम जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है यार, प्लीज हाथ जुड़वा लो। पेपर अकाउंट्स का, बिजनेस का, इंग्लिश का या किसी का भी होता है, वो ड्राइंग का तो नहीं होता ना, तो भाई साहब ड्राइंग किस लिए करते हो बैठ के है? आपने लिखा 40,000, अब गलत हो गया, 40 में लिखना था ये जब तक मतलब दिल ना भरेगा ना मेरा, मैं तो काटापिटी करूंगा, मैं कलर पूरे भर के ही मानूंगा उस फिगर के अंदर। भाई साहब ऐसा मत करो, कलर नहीं भरने होते, ड्राइंग का पेपर नहीं दे रहे हो आप सिंपल, आपकी फिगर अगर गलत हुई है ऐसे काटो उसको, कितना प्यारा लग रहा है, वो देखो गंद मचा दिया आपने। ठीक है, साथ ही साथ आपने लिखा 18,000, अब गलत हो गया, 18 नहीं था यहां पे, तक 16,000, अब मैं क्या करूंगा, ये 6 बना के मानूंगा इसको, नहीं तो आज पेपर नहीं दे जाऊंगा मैं, मतलब पेपर तब तक नहीं दूंगा अपनी आंसर शीट जब तक 8 का 6 बन जाए। अरे भाई साहब क्यों, अरे प्यार से काटो, ऐसे फिगर काटो, एक लाइन लगा दो उसके ऊपर, फिगर कट गई गलत हो गई है या आपकी लाइन गलत हो गई है लिखने में, ये है सही तरीका चीजों को काटने का, मतलब ड्राइंग फिल नहीं करनी है। अच्छा, इसके बाद जैसे 40,000 लिखा गलत हो गया ऐसे काट दिया, अब सही फिगर है इसके ऊपर लिख दो 36,000 बन जाए तो इट इज ओके, ये ठीक है, बट
कलर भरना अवॉइड, मत भरना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होगा, इतने सारे उसे कलर दिखाई देंगे, मतलब आंसर शीट के अंदर ड्रॉइंग ही ड्रॉइंग होगी पूरी आंसर शीट में, तो वो नंबर भी फिरना ड्रॉइंग के हिसाब से देगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये अवॉइड कटिंग, हो भी जाए तो एक लाइन से उसको काटना है। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको भी मैं, कि पेपर में अब आपकी आंसर शीट होती है देखो इस तरह की, ये आपकी आंसर शीट है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। अकाउंट्स के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिवोल्यूशन भी, बैलेंस शीट भी और कैपिटल अकाउंट भी, तीन चार चीजें इकट्ठी बनानी पड़ जाती है। उस केस में आप क्या करो, आंसर को यहां से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम हियर, मतलब ये आपकी आंसर शीट ऐसे खुली हुई है ना, आपने यहां से शुरू करा, यहां रिवोल्यूशन बन गया, यहां कैपिटल बन गया, यहां बन गई आपकी बैलेंस शीट, मतलब पूरी आंसर शीट आपके सामने दोनों पेजेस ओपन रहेंगे, तो आपके लिए फिगर्स को एक दूसरे अकाउंट में कैरी करना आसान हो जाएगा। अब सपोज आपने क्वेश्चन यहां से शुरू कर दिया, यहां बना दिया आपने रिवोल्यूशन, अब आप पेज पलटोगे, या तो रिवोल्यूशन के बाद यहां कैपिटल, फिर आपने पेज पलटा, फिर आप बैलेंस शीट पर जा रहे, अब बार बार ना पेज पलटोगे तो वक्त समय टाइम तीनों खराब करोगे। हां जी, इसलिए बेटर है इस तरीके की जैसे आपकी आंसर शीट है तो कोशिश करो रिवोल्यूशन कैपिटल बैलेंस शीट, मतलब दो तीन अकाउंट अगर इकट्ठे बनने हैं तो वो एक ही साथ बना डालो, ना कि दूसरी शीट पर आपको जाना पड़े, दूसरे पेज को आपको टर्न करके वहां पर जाना पड़े। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान रखनी है, जब हमारे क्वेश्चन के अंदर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीजें मांगी गई हो, तब आपने क्या करना है पता है? अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, पहले से रिवोल्यूशन अकाउंट बनाऊंगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा बैलेंस शीट एंड में। कृपया करके हाथ जुड़वा लो, ये मेथड मत फॉलो करना। क्या करना है, तीनों का फॉर्मेट बना दो इकट्ठा, ये रिवॉल्यूशन है, ये कैपिटल है, ये बैलेंस शीट है, अंदाजे से स्पेस ले लो यार, एक तो लाइन का ऊपर नीचे, एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलो ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद अब एक ही एंट्री है वो दो तीन जगह तो आएगी, अगर एक एंट्री या रिवॉल्यूशन में आई है उसका जो इंपैक्ट बैलेंस शीट में आना है वो सेम टाइम पर लिखो, इंतजार मत करो एंड में जाऊंगा बैलेंस शीट बनाऊंगा तब लिखूंगा, नहीं करना है। तीन अकाउंट बनने, चार अकाउंट बनने, दो अकाउंट बनने, मेक देम साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक का बनाना है, मतलब सॉरी इकट्ठे बनाने हैं, एक पूरा करके दूसरा बनाऊंगा, ना 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 बिल्कुल मत करना। रफ वर्क करना है, कहां पर करूं, कहां पर करते लोग आंसर शीट के एंड में करो, रफ वर्क होगा करोगे, अब तुम क्वेश्चन के बीच में घुसा दो रफ वर्क, बच्चे पता है क्या करना होते हैं, रफ वर्क करना होता है तो भाई साहब आंसर के साइड में ही, मतलब ये आपका आंसर है और यहां ज्ञान बाजी, यहां कहानी किस्सा, मतलब आंसर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज सामने आ गई है हमारे आंसर को, भैया नीट क्लीन प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा आपने दिखाना है एग्जामिनर को, कीजिए देखो जी सुशील है बिल्कुल हमारी कन्या, हमारा आंसर शीट बहुत ही सुंदर तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, तो रफ वर्क अगर करना है ना यार तो आंसर शीट के एंड में चले जाओ, उस पेज पर करो, उसको रफ ही रख लो। वर्किंग नोट बनाना है आप, वर्किंग नोट हमेशा आंसर का पार्ट होना चाहिए आपका, आंसर के एंड में वर्किंग नोट बनाओ जरूर, और देखो बहुत ज्यादा सजावट करने की जरूरत तो नहीं है वर्किंग नोट में, बट हाँ क्लियरली मेंशन हो कि यार कोई फिगर अगर लिखी है ना तो वो आई कहां से है, उसे पता लगता है बच्चे ने, मतलब समझ रहा हूं ना, कॉपी ऑपी तो नहीं मांग लिया कहीं से, अगर वर्किंग नोट अटैच है तो फिर भी उतना शक नहीं जाएगा कि यार बच्चे ने वर्किंग करी है, ठीक है। तो वर्किंग नोट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितने आप आंसर को दे रहे हो, अटैच करो वर्किंग नोट, नहीं होगा ना वर्किंग नोट तो नंबर कटने के चांस है, इसलिए वर्किंग नोट हमेशा बनाओ। अगली और एक गंभीर समस्या जो रेगुलर बेसिस पर फेस करता हूं, और चाहे अगर कोई टीचर वीडियो देख रहा हो वो भी फेस करता होगा, आंसर नंबर ही क्लियर नहीं पता लगता, मतलब आंसर नंबर है क्या मेरा, ये लिख दिया जी, अब समझ में आ रहा है आंसर नंबर क्या है। प्लीज ध्यान रखो इस चीज का, आंसर नंबर 4 जैसे इस टाइप से लिख दिया, बॉक्स में डाल दिया, अब ये क्लियर दिखाई दे रहा है, कम से कम चेक करने वाले को ये तो पता लग जाएगा कि भाई साहब आंसर है कौन सा, नहीं तो वो ना ढूंढते रह जाओगे वाली बात हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा पूरे क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में आपकी कौन सा क्वेश्चन का आंसर है,
इसलिए गाइस बहुत ध्यान रखना है आपने यार, अपना आंसर नंबर जो है ना बिल्कुल बिल्कुल क्लियर लिखो, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि चाहते क्या हो आप अपने आंसर में। ठीक है, तो आंसर नंबर क्लियरली मेंशन करना, पढ़ना आना चाहिए उस एग्जामिनर को। अकाउंट्स में जब आप फिगर लिखते हो, ऑफकोर्स आप फिगर ज्यादा लिखते हो अकाउंट्स के अंदर, आप फिगर लिखने का पता है क्या तरीका है, फिगर ऐसे लिखो जैसे 10,000, फिर सपोज लिखना है आपको 9,000, अब 9,000 यहां से मैं शुरू करूंगा, ऐसे मत लिखना, बजाय इसके ऐसे लिखना 9,000 ऐसे, फिर लिखना से फॉर एग्जांपल 438 ऐसे, मतलब कि फिगर के नीचे आपकी फिगर आनी चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप टोटल करने बैठोगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में सीबीएसई की बात करूं अगर मैं, तो कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो अगर आपने फिगर को तरीके से लिखा है साथ में कॉमा दे दो प्यारा प्यारा सा, है ना, तो आपके लिए उसको एड ऑन करना आसान हो जाएगा। अब यहां पर इस फिगर को एड ऑन करना आसान है, इसके नीचे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे करके ऐड करना आसान है, बजाय जो अपना आप ज्ञान देते हो वैसे करने के। तो जब फिगर लिखो एक दूसरे के प्रॉपर तरीके से उसको नीचे लिखना, ताकि टोटल करना आसान हो जाए तुम्हारे लिए। अब बात आती है यार कि क्वेश्चन करूं कहां पे, मतलब करूं कहां पे, मतलब कि पहले 19 करूं, फिर 18 करूं, फिर फर्स्ट करूं, फिर सेकंड करूं। देखो हालांकि कोशिश ये करो कि आप पेपर अपना ना सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो, चाहे आप उल्टे से पेपर शुरू करो, चाहे आप सीधे से स्टार्टिंग से या एंड से कहीं से भी करो, सीक्वेंस वाइज जाओ तो चेक करने वाले को ना बड़ा सुकून सा मिलता है कि यार चल मेरे को ठीक है, पहला पहला आपने करा फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड आपने अटेम्प्ट करो 18 क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, अब चेक करने वाला दुखी, उसे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, मतलब उसका दिल दिखाओगे ना तो तुम्हें ना मतलब नंबर में गड़बड़ कर देगा वो तुम्हारे साथ। ठीक है, इसलिए कोशिश करो यार कि सीक्वेंस में पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, और अगर किसी क्वेश्चन के सब पार्ट्स है, जी क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें एबीसी तीन पार्ट है, तीनों पार्ट एक ही जगह पर बनाना, ऐसा ना हो 19 का ए पार्ट पहली शीट पे, 19 का बी पार्ट दूसरी शीट पे, या किसी और पेज पे, पता नहीं मतलब कहां एग्जामिनर घूमता रह गया। सब पार्ट्स एक साथ होने चाहिए और पेपर में क्वेश्चंस आंसर आपके सीक्वेंस में होने चाहिए। स्केल लेकर जाओ, स्केल छोटा सा मतलब यार इतना सा जो होता है, बड़ा वाला स्केल लेकर जाओ ताकि आपको लाइनें ड्रॉ करने में आसानी रहे, और लाइंस पेंसिल से ड्रॉ करना है यार, लॉजिक ये है उसका, पेंसिल से ड्रॉ करोगे ना गलत भी होगा तो यार रब तो करोगे आराम से, पेन करने के बाद क्या करोगे, किस से रब करोगे, सो ब्लैक पेन या ब्लू पेन से कोशिश करो लाइनें ना ड्रॉ करो, पेंसिल से ड्रॉ करो, गलत हो भी जाए तो आप रब करके उसे ताकि ठीक कर सको। शार्प पेंसिल लेकर जाओ, दो तीन चार अपना शार्प पेंसिल लेकर जाओ, दो तीन पेन कैरी करो, और एक वीडियो पहले ही बताया था कि उन्हीं पेन से आपने प्रैक्टिस करनी होती है, जो आपने पेन आपने बोर्ड में यूज करना है, मतलब उसी मॉडल उसी कंपनी का पेन, ठीक है ना, तो पेंसिल लेकर चलो, शार्पनर स्केल के जो भी चीजें आपको चाहिए, पेन पेंसिल सब कुछ वो सब कैरी करके जाओ अपने साथ, पहले से ही उसको प्रिपेयर करके रख लो, ताकि उस दिन मतलब सुबह सुबह जब जाना होता तब हड़बड़ी ना मचली और कहाँ है पेंसिल, कहाँ है पेन, कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये चीजें पहले से आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। एक वॉच लेकर जाओ अपने साथ, वॉच मतलब सिंपल सी वॉच लेकर जाना जिसमें कैलकुलेटर वगैरह ना हो, क्योंकि वॉच रहेगी तो आपको पता होगा यार कितना टाइम किस क्वेश्चन में लगा दिया और कितना टाइम मेरे पास बाकी है, बहुत ज्यादा मतलब आपको हेल्प मिलती है अगर आप वॉच कैरी कर एग्जाम में जाते हो तो। ठीक है, इतनी सारी टिप बता दी, हो सके तो देख लेना, फॉलो कर लेना अगर मन करे तो, पढ़ाए गारंटी है कि यार फॉलो करोगे ना तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ज्यादा ज्ञानबाजी अब नहीं करते इस वीडियो के अंदर, आप लोग ये सारी के सारी टिप ध्यान रखना, वापस एक बार देख लेना वीडियो को, अगर कुछ भूल गए हो पुरानी वाली ट्रिक्स जो अभी बताई थी मैंने। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अकाउंट्स पेपर, एंड घबराना बिल्कुल ही मत यार, सिर्फ एक पेपर है ये। ठीक है, पेपर का रिजल्ट मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, बट पूरी लाइफ डिपेंड नहीं करती इस पे, है ना, तो पेपर को बहुत रिलैक्स करके बहुत ही कूल तरीके से प्रिपरेशन करो और बस करके आओ, फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि टिप्स एंड ट्रिक्स से कितना फायदा हुआ। या थोड़ा सा ना स्पीड पे भी ध्यान रखना अपनी, थोड़ा सा स्पीड ही लिखना, बट राइटिंग प्यारी सुंदर सी रखना कि चेक करने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, टिल देन कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स एंड अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। थैंक यू सो मच।